मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। ऐसे में प्रदेश में अब वैक्सीनेशन का काम भी तेज किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोका जाए, इसके प्रयास अभी से शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में न आए, इसके प्रयास अभी से शुरू हो जाने चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा है कि किल कोरोना अभियान 4 के तहत प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट होने चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जाए, साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाए। एक एक मरीज की पहचान कर उन्हें फ्री में मेडिकल किट प्रदान करने का कार्य भी जारी रहना चाहिए। कोरोना नियंत्रण का मूल मंत्र है जनता की भागीदारी। गाँव, कस्बों और शहरों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूह निरंतर सक्रिय रूप से कार्य करते रहें। सीएम ने कहा कि प्रदेश की 22,813 ग्राम पंचायतों में से 20,565 ग्राम पंचायतें कोरोना मुक्त हैं। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को हर हाल में रोकना है, इसके लिए देश दुनिया में अध्ययन करें, विशेषज्ञों के साथ चर्चा करें और उनके अनुसार पूरी रिपोर्ट तैयार करें। स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाया जाए, इसके अलावा प्रदेश के विशेषज्ञों से भी सलाह ली जाए ताकि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक दिया जाए।